टेंथ क्लास के सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई फ्रेश वीडियो के अंदर। विद्यार्थियों, इस वीडियो से पहले हम पढ़ चुके हैं मौर्य वंश के बारे में और इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ेंगे मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक बड़ा प्रश्न यहाँ से पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना रहती है। तो जो भी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो इसी जून महीने के अंत के अंदर परीक्षा होने वाली है, जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और जो विद्यार्थी 9th क्लास से 10th क्लास के अंदर प्रमोट हुए हैं, वो भी विद्यार्थी पूरा का पूरा वीडियो जरूर देखें ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम कि मौर्य काल ही एकमात्र ऐसा काल था जिसके अंदर जो विद्यार्थियों प्रशासन था वो केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था के अंतर्गत आता था। यानी कि प्रशासन कैसा था? केंद्रीयकृत प्रशासन था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि मौर्य काल में प्रथम बार शासन व्यवस्था कैसी हुई थी विद्यार्थियों? केंद्रीयकृत शासन व्यवस्था हुई थी। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था से ये मतलब होता है कि जो शासन करता है, यानी कि जो शासन करने वाला जो मुखिया होता है, वो विद्यार्थियों राजा होता है। तो यहां पर इस बात को समझ लिया आपने। दूसरी बात करते हैं कौटिल्य। विद्यार्थियों, ये कौटिल्य कौन है इसके बारे में भी मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुका हूं, पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि कौटिल्य जो थे वो चाणक्य, यानी कि चाणक्य का ही दूसरा नाम विद्यार्थियों क्या है? कौटिल्य है। और ये चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के विद्यार्थियों क्या थे? के गुरु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य या कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए। कितने अंग निर्दिष्ट किए विद्यार्थियों? 7 अंग निर्दिष्ट किए। और ये 7 अंग राज्य के कौन कौन से होंगे उसको देखें। पहला राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा सेना और 7वां मित्र। तो यहां पे राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र, ये 7 प्रकार के अंग निर्दिष्ट किए थे। किसने? कौटिल्य या चाणक्य ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक थे। राजा द्वारा पुरोहित व मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता था। राजा जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, वृदस्त, ये कौन थे? ये मौर्य वंश के राजा थे, जिसको मैं यहां पे एक बार लिख रहा हूं, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद आपको याद रखना है बिंदुसार, अशोक मौर्य, उसके बाद कुछ विशेष राजा सक्षम राजा नहीं हुए, उनके नाम है कुणाल, संप्रति, दशरथ और आखिर में हुए थे बृहद्रथ। बृहद्रथ विद्यार्थियों मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी, और आखिरी या अंतिम जो शासक थे, राजा थे, वो बृहद्रथ थे। तो ये राजा जो थे विद्यार्थियों, ये राजा पुरोहित व मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते थे। पुरोहित और मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज कार्य के अंदर केंद्रीय प्रशासन को संभालने का कार्य करते थे। और इनको नियुक्त करने की जो तकनीक थी उसे कहते थे उबधा परीक्षण। क्या कहते थे विद्यार्थियों? उबधा परीक्षण। तो मौर्य कालीन प्रशासन के अंतर्गत उबधा परीक्षण से यह तात्पर्य है कि राजा के द्वारा पुरोहित व मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं मौर्य कालीन केंद्रीय प्रशासन की। हम यहां पे कुछ प्रशासन में विभेद करते हैं, मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन, दूसरा हम इसके अंदर पढ़ेंगे मौर्यकालीन प्रांतीय प्रशासन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे नगरीय प्रशासन,
प्रांतीय प्रशासन, ये विद्यार्थियों अलग अलग प्रशासन थे जो अलग अलग लोग संभाला करते थे। मौर्य कालीन केंद्रीय प्रशासन, ये सबसे बड़ा प्रशासन था जो केंद्रीय लेवल पे शासन व्यवस्था को संभालता था। अगर हम बात करें केंद्रीय प्रशासन की, तो मौर्य कालीन केंद्रीय प्रशासन की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख मिलता है। मौर्य कालीन केंद्रीय प्रशासन संभालने वाले कितने विभाग थे विद्यार्थियों? 18 विभाग थे, यानी कि 18 विभागों के द्वारा मौर्य कालीन केंद्रीय प्रशासन संभाला जाता था। और इन 18 विभागों को विद्यार्थी क्या कहते थे? तीर्थ कहते थे। इन 18 विभागों को तीर्थ कहते थे। अब जो ये तीर्थ का अर्थ है विद्यार्थियों विभाग। इस विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसको कहते थे महापात्र। महापात्र मौर्य कालीन प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या विभाग कौन कौन से थे? मंत्री आता था उसके अंतर्गत, पुरोहित आता था, सेनापति और युवराज। मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज। युवराज का मतलब है राजा का पुत्र। सेनापति, सेना नायक। मंत्री और पुरोहित राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे, जिसे उपधा परीक्षण कहते थे। तो ये चार विभाग थे या चार महत्वपूर्ण तीर्थ थे। आगे हम बात करते हैं विद्यार्थियों समाहर्ता की, कि समाहर्ता क्या होती है। तो समाहर्ता का कार्य था समाहर्ता विद्यार्थियों एक विभाग था या जिसे हम कहते हैं एक तीर्थ था, जिसका कार्य राज्य कोष की व्यवस्था देखना। ये राज्य कोष क्या होता है उसको समझना। राज्य कोष के अंतर्गत आय और व्यय का लेखा जोखा रखना, आय व्यय का ब्यौरा रखना, वित्तीय लेन देन करना। इस प्रकार से राज्य कोष के अंतर्गत आय व्यय का ब्यौरा रखना, राज्य के कोष के अंदर वित्तीय लेन देन करना, ये जो कार्य थे वो किसके थे? समाहर्ता के थे, जो एक विभाग होता है जिसका कार्य है राज्य कोष की व्यवस्था को देखना। दूसरा इसके बाद आता है सन्निधाता। इसका कार्य भी समाहर्ता से कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि इसको हम कोषाध्यक्ष भी कहते हैं। तो कोष ग्रह का मतलब होता है जहां पे पैसे रखे जाते थे उस समय उनको क्या कहते थे? कोष ग्रह कहते थे। कोष ग्रह बनाना और दूसरा इनका महत्वपूर्ण कार्य था अन्नागार बनाना, यानी कि अन्न ग्रह बनाना। तो ये किसके कार्य थे? सन्निधाता के कार्य थे। इसके बाद विद्यार्थियों हम बात करेंगे दो नंबर पे। एक नंबर पे आप पढ़ चुके हैं मौर्य कालीन केंद्रीय प्रशासन, दो नंबर पे हम बात करेंगे मौर्य कालीन प्रांतीय प्रशासन। मौर्य कालीन केंद्रीय प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत मगध साम्राज्य की बात आती है। मगध साम्राज्य, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो मौर्य वंश का जो शासन था वो कहां पर था? मगध पर था। तो मगध साम्राज्य को विकसित करने का श्रेय भी किसे जाता है? मौर्य वंश को जाता है। तो उस समय मगध साम्राज्य को 5 प्रांतों में विभाजित किया गया था, यानी कि मौर्य कालीन प्रांतीय प्रशासन कितने थे? 5 प्रांत थे। ये प्रांत कौन कौन से थे अगर आपको पूछा जाता है तो आप याद रखोगे उत्तरापथ या तक्षशिला, अवंती राष्ट्र या उज्जयिनी,
कलिंग या तोसली, दक्षिणापथ या सुवर्णगिरी, मध्य प्रदेश या पाटलिपुत्र। तो ये पांच प्रकार के प्रांत थे जो किसके अंतर्गत आते थे, मगध साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, किसके अधीन थे, मौर्य वंश के अधीन थे। अगर हम बात करें प्रांतीय शासन की, तो प्रांतीय शासन चलाने वाले कुमार थे। यहां पर कुमार का मतलब हुआ मौर्य वंश से जुड़ा हुआ, तो कुमार मौर्य वंश से जुड़े होते थे। और दूसरा आर्यपुत्र, कुमार व आर्यपुत्र किसको संभालते थे, प्रांतीय शासन व्यवस्था को संभालते थे। अगर हम बात करें प्रांतों की, तो प्रांतों के अंतर्गत विद्यार्थियों क्या होते थे, विषय होते थे। जिस प्रकार से केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा, तीर्थ पढ़ा, विद्यार्थियों विभाग पढ़ा, उसी प्रकार से प्रांत के अंतर्गत क्या होते थे, विषय होते थे। यानी कि प्रांतों को आगे विषय के अंदर बांटा गया था। प्रांत जो थे वो आगे किसमें बटे हुए थे, विषय के अंदर, और विषय किसके अधीन थे, विषयपतियों के अधीन थे। नगर प्रशासन की बात करते हैं, तो नगर प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल था। किसके अनुसार ये बात कही गई है, मैगस्थनीज के द्वारा कहा गया है कि नगर प्रशासन 30 सदस्यों का मंडल था। तो 30 सदस्यों का मंडल जो है वो नगर प्रशासन को देखता था। ये जानकारी कहां से मिलती है, मैगस्थनीज के अनुसार मिलती है। विद्यार्थियों मैगस्थनीज कौन था, तो ये मैगस्थनीज एक राजदूत था। किसका था, सेल्यूकस निकेटर का था। अब ये सेल्यूकस निकेटर कौन है, तो सेल्यूकस निकेटर उस समय यानी कि तत्कालीन उस समय यूनानी शासक था। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनान पर आक्रमण किया, उस यूनानी शासक पर आक्रमण किया और उस युद्ध को जीत लिया। युद्ध को जीतने के बाद सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन में आ गए और मैगस्थनीज को राजदूत के रूप में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा। तो ये बातें आप यहां से याद रख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैन्य व्यवस्था की। सैन्य व्यवस्था को देखने का कार्य कौन करते थे, सैन्य विभाग करते थे। अब जो ये सैन्य विभाग था विद्यार्थियों, ये सैन्य विभाग 6 समितियों के अंदर बटा हुआ था। और जो समिति थी उस एक समिति के अंदर विद्यार्थियों कितने सदस्य थे, 5 सदस्य थे। तो यहां पर हम पहले क्या लिखेंगे, सैन्य विभाग जो कि एक था, उस एक सैन्य विभाग के अंदर कितनी समितियां थी, 6 समितियां थी। 6 समितियों में प्रत्येक में कितने कितने सदस्य थे, तो 5, 5, 5, 5, 5, 5 और 5, यानी कि टोटल सदस्य विद्यार्थियों कितने हो जाएंगे, तो 30। तो यहां पर विद्यार्थियों जो ये 30 सदस्य थे, इन 30 सदस्यों का ये कार्य था कि जो पैदल युद्ध करते थे, अश्व के माध्यम से युद्ध करते थे, हाथी के माध्यम से, रथ के माध्यम से या नौसेना के माध्यम से, तो इनके ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता था, तो सैन्य विभाग के अंदर जो समितियां थी उनके जो सदस्य थे वो इन पर नियंत्रण रखते थे। बात करें हम आगे सैनिक प्रबंध की, तो सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला जो अधिकारी होता था, यानी कि जो उनका मुखिया होता था, जो सैनिक प्रबंध या सैनिक व्यवस्था की देखभाल करता था, उनको विद्यार्थियों हम क्या कहेंगे, अंतपाल कहते थे। पाल क्या कहते थे, अंतपाल। आगे और आखिर में हम बात करेंगे न्याय व्यवस्था की। न्याय व्यवस्था किस तरीके से होती थी, तो मौर्य प्रशासन के अंदर जो न्याय व्यवस्था थी वो सबसे ऊपर किसके हाथ में थी, सम्राट के हाथ में थी, राजा के हाथ में थी। जो राजा निर्णय लेता था वो आखिरी निर्णय होता था। यानी कि न्याय व्यवस्था का जो सर्वोच्च स्तंभ था वो कौन था, सम्राट था, जो सर्वोच्च अधिकारी के रूप में कार्य करता था। बात करें हम नीचे के स्तर पर, निचले स्तर पर, तो ग्राम न्यायालय होते थे। नॉर्मली जो हम बात करते हैं न्यायालय की, किसकी बात करते हैं, न्यायालय की, तो उस समय एक होता था धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा होता था कंटक शोधन न्यायालय। जो धर्मस्थीय न्यायालय होता था उसका काम था कि कुवचन, मानहानि और मारपीट के जो मामले आते थे उनका निपटारा, उनका निवारण कौन करता था, धर्मस्थीय न्यायालय करते थे। और कंटक शोधन न्यायालय ये थोड़ा बड़े स्तर का न्यायालय था। इसका कार्य ये था कि अगर व्यक्ति और राज्य के मध्य कोई विवाद हो जाए, उनके मध्य कोई संघर्ष
चल रहा होता था तो उनका निवारण करने के लिए कौन सा न्यायालय था? कंटक शोधन न्यायालय था। तो यहां पर विद्यार्थियों हमने बात कर ली मौर्य प्रशासन की, जिसके अंतर्गत हमने एक पूरा ब्यौरा पढ़ा कि किस प्रकार से मौर्य प्रशासन संचालित होता था। जो मैन प्रशासन का अधिकारी होता था उसे तो हम सम्राट ही कहेंगे, बाकी जो निचले स्तर के थे वो या तो राजा के द्वारा नियुक्त किए जाते थे या राजा के किसी प्रतिनिधि के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अगर आपको यहाँ से वीडियो समझ में आ चुका है, पसंद आ चुका है, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।